विनोद के पास क्षमता है, एक बार फिर से मौका बना सकते हैं। नैतिक अवसर, क्या गोल होगा कि नहीं? एक बार फिर से गोल के अंदर गया, इस बार जाती हुई, और यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं था कि इतने दबाव में खेलने के बावजूद यहाँ मैच में यहाँ पासा पलट देगा। स्वर्गीय देवनारायण हंसदा ने इस क्लब का गठन किया और माने उस शख्स ने जिस तरीके का योगदान दिया था वो वाकई में हम सब के लिए, एक नए पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमेशा ही वो हम सबको आशीर्वाद देते हैं। और मुझे लगता है इस मैदान के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक रग रग में उनका प्यार। चौथा मैच क्वार्टर राउंड का आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब हाट डुमरिया बनाम जेठी पटना साहबगंज बड़ा इच्छु बनाई और कोई बुनियाले को सत्संग मानवता दादा मनोज हंसदा जी मानवता दादा नोटे दुर्गा हंसदा जी बनार आर हो अले तुम्हार कमेंट्री टीम से खोज आर हो आओ जतो हड़कू अड़ी अड़ी मानव जोहार निया बीच रे खेले थोपरिया नोटे संकेत है जुआ। पहली बार अनुपम रॉय जी इस समय इस मैच का मुख्य रेफरी के रूप में और इसी के साथ यहां पर किकम बिसिल बनती भी और पहला अटेम्प्ट यहां पर जीटी पटना साहबगंज की ओर से स्टार फुटबॉलर स्टार डिफेंडर मुकेश सोरेन के द्वारा गेंद को रिलीज कर दी गई जहां अटैकिंग जीतवा सेकंड सेमीफाइनल रे उनकी नपाम दो बीएमएफसी तमाशा चक ठाकुर घंटी सुगे गाती है सेकंड सेमीफाइनल रे। ये बीच रहे अजय बास के पास हालांकि सात नंबर जैसे बने हुए खिलाड़ी ने शॉट करके इन जरूर किया। अजय बासी को मौका मिला था दोहरे प्रयास में, श्यामलाल जी जरूर वहां बीत हुए थे मगर यहां भाग्य ने साथ दिया और इस तरह से बचते हुए हाट डुमरिया की टीम और एफसी साहबगंज के बीच खिताबी भिड़ंत होगा। इसी बीच एक बार फिर से सुंदर मौका यहां पर, एक बार फिर से बिमल के पास मौका बना है से टैकल इसके बीच में वहां पर आगे की ओर वहां पर पास देने की कोशिश। उपेंद्र कल मैन ऑफ द मैच चुने गए थे और होल्डिंग मिडफील्डर से ये प्ले मेकर खिलाड़ी। इसी बीच में टीम के कैप्टन को देख ले शॉट लिया है, एक बार फिर से खतरा हो सकता है। शानदार से जी हाँ क्या बचाव किया है, तालियां तो बजना चाहिए इस उम्र में भी ये फिटनेस जो श्यामलाल हंसदा बहुत ही सुंदर बचाव अपने टीम के लिए बेहतरीन, कम से कम तारीफ तो करना पड़ता है पड़ेगा मनोज दा। और मैं समझता हूँ इससे बचाव का श्यामलाल हंसदा ने जो कमाल दिखाया अपने बहुत ही पुराने समय से गोलकीपिंग कर रहे हैं लेकिन आज भी वो फिटनेस और फुर्ती और जज्बा देखते ही बना। तेज शुरुआत दोनों टीम दिखाते हैं, एक टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए जब मरंडी जी जो कि आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब हाट डुमरिया के लिए इनका योगदान मैं समझता हूं अगर जिक्र करें तो अकेले इस खिलाड़ी ने आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब के लिए जितना बड़ा योगदान दिया है मैं समझता हूं अभी तक इससे बड़ा खिलाड़ी अभी तक उभर के आए नहीं है हाट डुमरिया से। और प्रेम मरंडी जब खेला करते थे उस समय हाट डुमरिया का जो फुटबॉल के क्षेत्र में पूरा तहलका होता था लेकिन हालांकि कॉर्नर की बहुत ही सुंदर बॉक्स के अंदर क्रॉसबार से टकराई मगर बाहर की ओर छिटक कर बाहर चली गई। सिल्वर जुबली उसकी भी तैयारी अभी से शुरू हो गई है क्योंकि मैं यहां आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब हाट डुमरिया को अपने परिवार की तरह मानता हूं, हमेशा से ही अपने गांव से मुझे एहसास दिलाया है। 25वां साल को हम लोग बहुत ही अलग तरीके से हम लोग यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करेंगे उसकी भी तैयारी अभी से शुरू हो गई है क्योंकि 2024 के आसपास ये 25वां साल को पूरा करेगा और निश्चित रूप से कुछ अलग हटकर कुछ से प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि फुटबॉल नियम से चलती है और नियम पर ही आप रोनाल्डो बनते हैं, नियम से ही मेसी बनते हैं, इसलिए आपको नियम के तहत ही चलना है। एक बार फिर से दो खिलाड़ी को बंदर की तरह चकमा दिया, हालांकि दो खिलाड़ी पीछे जरूर भाग रहे हैं लेकिन अच्छा मौका बनाया है, एक सुंदर मूव गोलकीपर की ओर, हालांकि वहां पर श्यामलाल हंसदा एक बार फिर से दूसरे प्रयास में गेंद को सफलता के साथ उसको अपने दस्ताने में लेते हुए गोल एरिया में गेंद को क्रॉस कर पाते या नहीं, टैलेंटेड खिलाड़ी जरूर वहां पर बचाने के क्रम में विकास
के पैर से थोड़ी सी चूक हुई है, अपने ही गोल लाइन से गेंद को बाहर किया और फ्लाई पास जरूर बढ़ाना चाहेंगे लेकिन थोड़ा सा चूक हुई और इस मिस पास का वहां पर फायदा विपक्षी खिलाड़ी टीम के कैप्टन महेंद्र, बहुत ही युवा खिलाड़ी क्षमता है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर अगला खिलाड़ी को देखे, ये हाल फिलहाल में ये खिलाड़ी काफी फॉर्म में है, निश्चित रूप से एक बापी से विपक्षी खिलाड़ी को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेजबान टीम एक बापी से दबे हुए जरूर है लेकिन अभी तक अच्छा यहाँ पर मुकाबला किया। और यहाँ पर मलिंगा का कमाल, यू ही मलिंगा प्रसिद्ध नहीं है, बाएं पैर दाएं पैर दोनों से बराबर मार पाते हैं। इसी बीच गेंद को बहास सुरोज सही तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए थे, हालांकि एक बार फिर से प्रदीप साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए मिडफील्ड से अच्छा यहां पर अटैम्प्ट और एक बार फिर से विनोद के लिए, विनोद के पास क्षमता है, एक बार फिर से मौका बना सकता है, नहीं क्या सर क्या गोल होगा कि नहीं, एक बार फिर से गोल के अंदर गेंद इस बार जाती हुई और यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं था कि इतने दबाव में खेलने के बावजूद यहाँ मैच में यहाँ पासा पलट देगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में शानदार गोल दाग दिया, 1-0 की बढ़त पर यहां मेजबान टीम पटना साहबगंज के टीम को इस समय दबाव में खेलने के लिए विवश कर दिया। अच्छा कोटा खिलाड़ी गोल लेदर थोड़ा टीम कुटुगर विनोद और उन्हीं है बढ़िया गोल होला दो मीटे और वहां दो 24वां गोल दाग दिया, 24वां गोल दागने वाले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में विनोद मुर्मू जर्सी नंबर 15। बिल्कुल और जरूरत बिना मीटे गोल हो चुका होगा ना, इतने तयोम रन खिलाड़ी एकदम को कटेज करना और सबसे ज्यादा कटेज नोडे विकास 14 नंबर जर्सी रोका खिलाड़ी पूरा हर आक्रमण रिया नोडे सामनाओं का वो इस उम्र में भी इतना बेहतरीन खेलते हैं ये हमारे लिए सीखने योग्य बात है और नव युवक के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। अपने टीम के लिए चट्टानी अंदाज में डिफेंस करते हुए बचाते हुए सेव करते गोल पोजीशन से खेलते हुए गोलकीपर के रूप में मौका का बढ़ाते इस बार लंबा हेडर ऊंचा फ्लाई कराया था बॉल वहां पर इस बीच यहां पर बॉल समझ जाया करेंगे क्योंकि एक लीड उसके पास है लेकिन यहाँ पर छिनाता हुआ लेकिन खुद छिनाता हुआ यहाँ पर यह है जीतन जीत की तरफ आगे बढ़ेगा चिमास वहां पर क्या साथी कह रहे थे अगर फीट रहेंगे तो 55 में भी 55 का मजा आप ले सकते हैं मनोज। बिल्कुल अरे बढ़िया दिन उम्र है बिल्कुल बिल्कुल पुलिस विभाग रन कनाए पुलिस स्टेप इंस्पेक्टर कनाए दर धूप हमेशा तहन कना नोई तयम रहमा जवान को तहन कना जिसके चलते हुनरमंद खिलाड़ी कना और बढ़िया कीपिंग लजबाब कीपिंग ओका पुराना फॉर्म तय कान ताय ये तो एकदम उना पुराना फॉर्म बरकरार की बना आइए और मुझे लगता है कि उन्होंने मैच तो बहुत खेला होगा लेकिन ये मैच उसके लिए बहुत खास और यादगार पल होते होने जा रहा है। अगर ये टीम फाइनल तक का जगह तय करती है तो इस बार तैने फ्लैग से मोर्चा खोला है इस बार कब तक पॉकर रिलीज कर पॉकर लोग कर रहे ये हेडर लेकिन ये देखिए है वहां तैयार विकास इसी के बीच बॉल जीतन से बॉल मिस होता हुआ जीतन की आज कोई चारा न चलता हुआ जीतन कोशिश कर रहे लेकिन इस बार ये जसरो सेवन जबरदस्त अंदाज में को चकमा दिया ये खिलाड़ी चले ये दूसरा गोल होने की पूरी कोशिश होनी चाहिए बट दैट इज ऑफसाइड मनोज जी यहां पर लेकिन जिस तरह से बॉल आगे बढ़ काफी कुकुरमुटुईदा दुर्गा शानदार कुकुरमुटुईदा उना कुरमुटुरे तीरे कुड़े कुयामा कहना मुश्किल दिया। इस बीच ओपनर शानदार मूव रे शैलवा शॉट लेकिन एन मौके रे गोलकीपर श्यामलाल उना बोले परमचूदा
और अपने साथी क्लब को बॉल पास दे रहे थे, 11 का बस मौका है, लेकिन खिलाड़ी बहुत सारे यहाँ पर, ये है जीतार, ये चकमा देते हुए, लेकिन कहा बॉल कंट्रोल थ्रू, बॉल माई कंट्रोल करके बहुत ही सुंदर बैक पास अरविंद के लिए, नाटक कर रहे अरविंद, क्या ब्लंडर किया किसको, मनोज किसको, लेकिन एन मौके रहे टीम के कप्तान महेंद्र, होना गेंद रफ्तार रहे, जर्सी नंबर 4 अरविंद, बहुत ही सुंदर पास जितेंद्र लगे पाल मिल रहे दरकार, लेकिन एन मौके रहे टीम के कप्तान महेंद्र, और एरिया कुरमुटो, नतीजा फिर से रिटर्निंग बॉल दागने का, बहुत ही सुंदर मौका हुई दरिया कना, शशांक जर्सी वाली टीम पटना साहेबगंज टीम, मनोज किसको मिट्टे मंजे हुए खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म रहे, लेकिन नुआ फॉर्म नुआ मैच रहे, रिटेनिंग गोल तकाव लगे, वाह वाह कमाल का फुटबॉल, इस बीच क्रॉस के माध्यम से, लेकिन एन मौके रहे उना गेंद क्लियर करा, ओहो ताला सोरेगा शानदार शॉट, लेकिन मना हुआ, केवल श्याम दागी गोलकीपर ने उम्र ने बांध करा नोडे देवीराम हो मगर जे लिखा उनी खोज लगभग इन एज रन करे बनार गोलकीपर एकदम ककूर खिलाड़ी कना किन सीनियर खिलाड़ी कना किन जबरदस्त फॉर्म रहे वहां मैच रहे इसको मौका है, अगर यहाँ पर ठीक शॉट जमाते हैं तो ये खेल में वापसी हो सकता है, हालांकि 4 ये गार्ड बनाया गया है, और ये बॉल ये है, ये देखिए खिलाड़ी कितना सुंदर से बॉल, और ये शॉट ये देखिए, और ये गोलकीपर के हाथों में बॉल है सुरक्षित, श्याम लाल ने अब कोई गलती नहीं करी, बॉल को बिल्कुल मैच, लेकिन यहाँ पर उसके हाथों से ये मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है मनोज जी, बिल्कुल लेन में अब की बार बहुत ही अच्छा रन अंतिम चांस हुई दड़ेकना 4 नंबर अरविंद नुई गोल चखा चुका, अच्छा पास के साथ तालमेल जन सुंदर, लेकिन उपेंद्र अब बैक थोड़ा गाने खराब किया, इस बीच वाह वाह क्या सुंदर बचाव, क्या दमदार बचाव, और अगर तुषार मेनखाज नुआ मैच रहे अंकित और विकास एकदम आयरन गेट की तरह, चीन की दीवार की तरह दुमरिया लगा किन तिंगू कना हेड वर्क नो खिलाड़िया टी स्ट्रॉन्ग, इस बीच तालावा रन फुटबॉल के जल में हल्की सी मांग, और इसी के साथ मैच की समाप्ति, वाह एकदम कमाल का मुकाबला, बाम मैन 25-50 मिनट एकदम दबदबा को बनाओ किदा पटना साहब गंज टीम, बिल्कुल।